निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 पर केस। एक बार फिर आमने सामने हुए निशिकांत दुबे और देवघर डीसी। एयरपोर्ट मामले को लेकर बढ़ा विवाद। ट्वीट कर बीजेपी ने बोला, हेमंत सोरेन पर हमला। अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट चार्टर्ड से आए थे। वापसी के क्रम में हुए विवाद को लेकर अब देवघर जिला प्रशासन और सांसद आमने सामने हैं। देवघर डीसी के आदेश पर सांसद, उनके दोनों बेटों के अलावा मनोज तिवारी और देवघर एयरपोर्ट निदेशक संदीप ढींगरा समेत 9 पर देवघर के कुंडा थाने में केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में सांसद की शिकायत पर देवघर डीसी पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 0 FIR दर्ज की गई है। दरअसल एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ लैंडिंग व IFR सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ATC क्लियरेंस संभव नहीं था। ATC कंट्रोल रूम में डायरेक्टर संदीप ढींगरा व पायलट की बात हो रही थी। कर्मियों पर दबाव डालकर बोला जा रहा था कि यात्रियों को आज ही लौटना जरूरी है, इसलिए ATC क्लियरेंस दिया जाए। कुछ देर बाद सांसद निशिकांत दुबे व मनोज तिवारी सहित अन्य भी ATC रूम में पहुंच गए और जल्द क्लियरेंस के लिए दबाव बना रहे थे। इसके बाद उन्हें ATC क्लियरेंस मिल गया व सभी लोग वहां से निकल गए। जांच के क्रम में पता चला कि 31 अगस्त को सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करते हुए ATC रूम में प्रवेश व उपस्थिति के लिए समर्थन करने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले के सामने आने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर देवघर डीसी पर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश व बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। बहरहाल एक बार फिर से सांसद निशिकांत दुबे व देवघर डीसी आमने सामने हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ सामने आता है। लाइव लगातार के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।